Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel and welcome back to my another vlog. And follow me on Instagram for my daily updates. तो आज का vlog शुरू करते हैं. मैं shopping पे जा रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं क्या लेने जा रही हूँ. और mainly तो मैंने अबाया लेना था और जो था साथ में मैंने एक दो चीज़ सफ़ा की देखनी थी. लेकिन पता है बंदा जाए तो फिर एक दो चीज़ जो है वो इंसान ले ही लेता है, चाहे ज़रूरत ना भी हो, पसंद आ जाए तो बंदा उठा लेता है. तो बस इसी तरह से मैंने सोचा आज आप लोगों को बताऊं कि मैं जो है अबाया लेने गई थी. और ये अबाया मार्केट है और इस मार्केट का जो नाम है वो इसको कहते हैं बवादी मार्केट. तो यहाँ पे जो है अबाया बड़े रिजनेबल मिल जाते हैं और जूते और बैग्स भी होते हैं. लेकिन मैं जूते बैग्स यहाँ से नहीं लेती, मैं सिर्फ अबाया यहाँ से लेती हूँ. क्योंकि यहाँ एक शॉप है जो कि मेरी बड़ी फेवरेट है और मैं हमेशा अबाया जो हैं वो यहीं से लेती हूँ. वैसे तो यहाँ पे सारी ही मार्केट्स में जो हैं वो अबाया बड़े अच्छे और रिजनेबल प्राइसेस पे होते हैं. आप कारफोर वगैरह से अगर लेते हो, मतलब मैं पहले मेरे एक दो अबाए जो हैं वो कारफोर अलमसाती से हैं, तो वहाँ पे जो है उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है लेकिन उनकी थोड़ी सी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं. तो अबाए का ये मसला होता है कि बार बार पहनना होता है तो जिसकी वजह से जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है. तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अबाए यहाँ से लूँ. इनकी क्वालिटी और प्राइसेस दोनों अच्छी होती हैं. तो इस बार मेरा इरादा था कि मैं किसी वाइट कलर में अबाया लूँ. ये जो मैंने अबाया अभी इधर पहना हुआ है ये भी मेरा अबाया जो है वो इसी मार्केट का है. साथ ही मेरा इरादा था वाइट अबाया लेने का, तो यहाँ मैंने जो है वाइट अबाया जो है बाय कर लिया था. इन दी एंड बड़ा सोच सोच के, वैसे तो मेरा, मैं वही कह रही थी कि पता नहीं सफ़ा के साथ पता है बड़ा ही गंदा हो जाता है अबाया, लेकिन चलो कोई नहीं, एक दो तो ले ही लेना चाहिए डिफरेंट कलर का. तो साथ ही ये उसकी छोटी सी शॉप थी, ये भी बहुत अच्छी कपड़ों की और जूतों की और बैग्स की शॉप थी. तो मुझे क्योंकि बैग्स चाहिए थे, साथ में मुझे एक दो सफ़ा के लिए जूता चाहिए था और मुझे ये पिंक शूज़ इतने क्यूट लगे और मैंने ये अपने लिए बाय कर लिए. और ये देखिए छोटे बच्चों के भी इतने प्यारे फ्लफी से शूज़ थे, इतने क्यूट क्यूट से. और ये मैंने बाय किया था सफ़ा का, और सफ़ा का ये ब्लू कलर में मैंने बाय किया था, उसके ऊपर यूनिकॉर्न बना हुआ था. तो सफ़ा का और मैंने अपना एक जैसे ले लिए थे. तो यहाँ बन जूते भी थे और ये देखें जो जो सफ़ा को जूता मिलता जा रहा था वो इस तरह से बास्केट में रखे जा रही थी. बच्चों के साथ शॉपिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है. खैर, मुझे यहाँ से बैग लेना था मेनली क्योंकि जो मैंने पहले लिया था वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया था. तो अब मैंने सोचा कि मैं बैग ले लूँ. और मुझे इस मार्केट से हमेशा ही बैग्स जो हैं वो अच्छे मिल जाते हैं. मुझे इस मार्केट का नाम नहीं याद आ रहा, तो वो मैं फिर किसी टाइम बता दूँगी. तो यहाँ से सफ़ा के लिए भी बैग्स जो थे, सफ़ा को बड़े पसंद आते हैं यहाँ पर हमेशा आके. और अलबत्ता मैंने सफ़ा को मना कर दिया था कि सफ़ा नहीं अभी जूता नहीं लेना, सॉरी अभी बैग नहीं लेना क्योंकि आपके पास पहले है. तो शुक्र है मान गई थी. तो ये देखिए सफ़ा, और उस सफ़ा जितने बच्चों के लिए बड़े प्यारे प्यारे जूते थे, बहुत कलरफुल और बहुत कंफर्टेबल. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ शॉपिंग करके. और मैंने सफ़ा के लिए और अपने लिए कुछ चीज़ें ले ली थी, जिसमें शूज़, बैग्स और सफ़ा के एक दो फ्रॉक्स थे. तो बस यही चीज़ें मैंने बाय करनी थी और ये मैंने करके तो मैं घर आ गई. इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, और बाद में बस जूस पिया और कोई ठंड पड़ी जिससे. तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से अबाए हैं और मैंने कौन कौन से अबाए कहाँ से लिए हैं, तो आपको पसंद आएंगे. तो ये सबसे पहले मेरा अबाया है, और ये अबाया मेरा है लमसाती का, यानी कारफोर लमसाती का है. मुझे ये अबाया बहुत पसंद है, आपने मुझे अक्सर फ़ोटोज़ में ये अबाया पहने देखा होगा. इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है और कपड़ा भी अच्छा है, और इसके बाजू मुझे इतने पसंद हैं, इतने वो मुझे फूल फूल से बाजू लगते हैं. तो मुझे ये अबाया भी बहुत मेरा फेवरेट है, और अक्सर आपने मुझे फ़ोटोज़ में, इंस्टा की फ़ोटोज़ में आपने मुझे पहने हुए देखा होगा. तो ये है वो अबाया, और मेरा फेवरेट अबाया ये. लेकिन अब ज़रा इसको टाइम हो रहा है तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पुराना होता जा रहा है. तो लेकिन अभी चल रहा है तो अभी पहनते हैं. चले चलते हैं नेक्स्ट अबाया की तरफ. तो ये वो अबाया ही मैं आपको पहन के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी मैंने पीछे दिखाया था कि जब मैं मार्केट में गई थी तो तब मैंने ये अबाया पहना हुआ था. तो ये अबाया भी मुझे बहुत पसंद है, और ये बवादी मार्केट से ही मैंने लिया हुआ है.
इसकी जो बाजू पे जो काम है वो बहुत मुझे पसंद है और बड़ा प्यारा लगता है पहना हुआ, तो बस ये भी मुझे बड़ा पसंद है। तो नेक्स्ट अबाया है ये, और ये भी मेरा अबाया लमसाती का है, कारफोर लमसाती का। तो इस अबाये की खास बात यह है कि इसमें पॉकेट्स हैं और अब मैं इसमें मोबाइल वगैरह आराम से रख लेती हूँ, तो इसमें बड़ा सुकून हो जाता है। साथ ही इसमें जो है ज़िप लगी हुई है, और ज़िप वाले अबाये थोड़े सुकून में रहते हैं, बस पहनो और ऊपर चढ़ा लो तो बड़ा सुकून हो जाता है इस तरह के अबायों में। तो नेक्स्ट मेरे पास अबाया है ये वोग वालों ने मुझे गिफ्ट किया था, मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो अपनी कलेक्शन में आपको दिखा रही हूँ तो ये भी साथ दिखाती चलूँ। तो ये इसका भी मुझे कपड़ा बड़ा पसंद है और इसकी मुझे बाजू भी बहुत पसंद है, तो ये भी मेरा बहुत फेवरेट अबाया। जो वाइट वाला अबाया है वो तकरीबन मिलते जुलते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक ही दिखाती हूँ। तो ये है मेरा वाइट अबाया, और ये वाइट अबाया मुझे इतना वाइट तो नहीं है, सॉरी क्रीम में है, लेकिन लाइट कलर था, तो मुझे इतना पसंद आया और मैंने इस दफ़ा ये बाय किया था क्योंकि मेरे पास ब्लैक में थे, तो इस दफ़ा बस मैंने सोचा कि ये बाय करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा और मेरी अबायों की कलेक्शन पसंद आई होगी। आप लोग भी ज़रूर जाके ट्राई कीजिएगा मार्केट में बवादी की, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।